आगे लाओगे नहीं आगे लगाऊंगा नहीं नहीं नंबर्स वगैरह या उन लोगों से मतलब उन लोगों से जब जिस समय बनाई थी उस समय उनसे नंबर वगैरह लिए थे कि आप लोग क्या बना रहे हैं, क्या मैटेरियल डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे क्षेत्र के लोग रहते हैं उन लोगों ने किसी ने भी नंबर वगैरह लिया जिन लोगों ने? क्योंकि आपको हर ठेकेदार ये बोलेगा कि मैंने भी बनाई है। बिल्कुल नहीं, नहीं, पार्षद ने आके सारी चीज़ की जिम्मेदारी कह दी कि हम इस चीज़ें खड़े पार्षद की उनसे बात होती रहती है सारी की सारी। हम अरे नहीं काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उनका काम इतना विफल रहा। हमारे वोट का है अंकित। अच्छा अंकित है, उससे पहले लेकिन बाद में कॉन्टेक्ट अब भी होते रहते हैं। अच्छा। उससे पहले बनी है। पर जिस समय बनी थी ना उस समय जो अभी नया पार्षद आया है मैं मानूंगी कि उसकी बहुत ज्यादा गलती नहीं है। जो उससे पहले पार्षद है जिस पीरियड में ये बनी है वो ये थे। हाँ। तो उस समय क्या कहते हैं जो आस पास के जो लोग थे जैसे हमारे यहाँ पे भी रोज जो बनी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं अमित मेहता। जैसा कि आपको बता दें कि कल एडीपी की लापरवाही के कारण कल चार घरों को बहुत क्षतिग्रस्त हो गए और ये लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है, जान माल को भी खतरा हुआ है। कल हमारी टीम रात को वहाँ गई थी तो हमने आपको सारी फुटेज भी दिखाई थी। तो आज उसी टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ रश्मि चौधरी जी, जैसे कि बता दें किसान कांग्रेस में प्रवक्ता भी है और महिला कांग्रेस में जिला अध्यक्ष भी है। मैम, पहला मेरे से सवाल ये होगा कि एडीपी की इतनी बड़ी लापरवाही, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस एडीपी की लापरवाही नहीं, ये सरकार फेल्योर है। जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क से रिलेटेड है, चाहे वो सिविल लाइन से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी काम है, सब कामों में बंदरबांट चल रही है और धरातल पे जो काम है वो सब फर्जी काम हो रहा है, सिर्फ दिखावे का काम हो रहा है और सब बंदरबांट होके जो जनता का पैसा है ये लोग सब गटक रहे हैं आपस में। कोई जनप्रतिनिधि गटक रहा है, कोई ठेकेदार गटक रहा है और उसका प्रमाण है उसके अंदर। आपने देखा और आपने काफ़ी, मेरे को लगता है कि आपका चैनल जो है बहुत पॉपुलर है, दिखाया भी होगा, तो मुझे तो मॉर्निंग में ही पता चला है और मैं अभी होकर आई हूँ वहाँ पर। तो मैंने देखा है कि यदि मान लो सपोज ये रात को घटना हो जाती तो लोग मर भी सकते थे। मतलब ये ऐसी घटनाएं हैं पूरे रुड़की क्षेत्र में, आप कहीं भी चले जाइए हर जगह पे सड़क बनती बाद में और गड्ढे पहले हो जाते हैं। इट डज मीन कि ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, एडीपी, जो भी ग्रुप है कम्प्लीटली, जो भी काम करने में लगा हुआ है विकास के लिए, क्योंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ जनप्रतिनिधि जो इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो कोई किसी भी पोस्ट पर हैं, वो सब अपना घर भरने में लगे हुए हैं। ठेकेदारों के माध्यम से बंदरबांट चल रही है, कुछ अलग से बंदरबांट चल रही है, कुछ अधिकारियों के माध्यम से चल रही है। तो ये जनता के साथ छलावा है सीधा। जनता बिल्कुल इनकी तरफ से मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जाएंगे बोलेंगे हाँ भाई हम आपको मुआवजा दे देंगे। उस मुआवजे देने के लिए भी जनता बेचारी चक्कर काटती रहेगी। अभी मुझे लोगों ने बताया है कि जनप्रतिनिधि आए थे और उन्होंने बोला है कि मुआवजा दिया जाएगा, जिनके मकान टूटे उनके मकान बनवाए जाएंगे। तो देखते हैं लेटर सी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैम, मेरा आपसे प्रश्न नहीं होगा, बात लापरवाही की चल रही है। मैम, छः दिन पहले, इस सप्ताह पहले वहाँ का चैम्बर धस चुका था और वहाँ पे देखने के लिए भी गए थे जनप्रतिनिधि, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। कहीं ना उसमें एक हफ्ता टाइम लग चुका था, उसको किसने ठीक कराया? मैम, आज ये तभी दिन ये देखना पड़ा, उसमें आप क्या कहना चाहती हो लापरवाही? देखिए, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं और क्या कहते हैं अमन, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ये मैंने 6-7 दिन पहले मैंने नगर निगम में बात करी थी कि भाई इस तरीके की घटना है, वो पैचअप है काफ़ी बड़ा दाएँ बाएँ में, तो उस पैचअप को या तो आप किसी भी अच्छे इंजीनियर को बुलाइए और दिखाइए कि ये किस तरीके से
यदि धसक गया तो वहाँ पे लोग मर भी सकते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं अभी कराएंगे, कल कराएंगे, ये तो एडीपी का काम है, फलाने का काम है। जब वोट लेनी होती है तो इतने बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम आपके घर संगे मरमर के बनवा देंगे, हम आपकी सड़कें बिल्कुल ऐसी करा देंगे जन्नत जैसी, हम आपको वो सुविधाएँ देंगे, हम आपको ये सुविधाएँ देंगे। और जब देने की बारी आती है तो अभी प्रमाण है, ये अभी आप गणेशपुर, ये तो प्रमाण है, बिल्कुल आंखों देखा हाल है कि जब 6 दिन पहले आगाह कर दिया गया था कि इस तरीके का वहाँ पे माहौल क्रिएट हो रहा है रोड्स का, कि कभी भी मकान ये सड़क धसक सकती है, तो उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। जब बिल्कुल धसक गई, ख़त्म हो गई, ये तो ऊपर वाले की कृपा समझिए कि कोई व्यक्ति मरा नहीं वहाँ पर। यदि मान लो सपोज रात के समय ये घटना हो जाती तो लोग सोए के सोए रह जाते, उनको पता ही नहीं चलता बेचारों को, क्योंकि वो तो सो रखे हैं। तो आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही है, रुड़की के जो इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं उनकी, खास तौर से उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि आप जो भी लोग, एक चीज है, जब ये कार्य चल रहा था तो सरकार आपकी थी, कांग्रेस के ही मेयर थे यहाँ, कांग्रेस की सरकार। देखिए जिस समय आपका कहना बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बट अब तो इनके हाथ में सत्ता है, अब तो इनको देखना चाहिए। कांग्रेस को तो ये लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस तो बिल्कुल, उसने कुछ नहीं करा और उसने मतलब जनता के साथ बिल्कुल छलावा करा है। तो मैं आज पूछती हूँ कि तुम जनता के साथ कौन सा सलूक कर रहे हो, तुम जनता के साथ ठग रहे हो जनता को। यदि कोई काम कांग्रेस की टाइम में कोई अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो आप तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हो, स्वच्छ भारत की बात करते हो, मजबूती की बात करते हो, तो आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? आप इतने समय से सत्ता में हो, आप कब से जनप्रतिनिधि, कब से विधायक हैं, चेयरमैन भी रहे, अब मेयर भी हैं, वो भी बीजेपी में जाके मिल गए, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लोगों को बोला था कि मैं निर्दलीय हूँ और मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो सब बंदरबांट की राजनीति चल रही है। लोगों ने राजनीति को बेसिकली, मैं आपको बताऊं, बिजनेस समझ लिया है। लोग इसको बिजनेस समझ के काम कर रहे हैं कि चुनाव में हम 2-3 करोड़ रुपए लगाएंगे, दलालों को इकट्ठा करेंगे, उनको बांटेंगे और उनसे बोलेंगे हमें इसी क्षेत्र से इतनी इतनी वोट दिला दो। बट किसी का भी जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। मैम मेरा आपसे प्रश्न ये होगा कि वहाँ से हम कल से देख रहे हैं सब आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, विधायक जी भी वहाँ पे गए हुए हैं, मैम सब सियासी रोटी से देख रहे हैं, अगर आम जन की आवाज़ कौन सुनेगा मैम कब तक? मैम अगर कोई, अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी की कोई मृत्यु हो जाती तो उसका जवाब दे कौन होता वहाँ पे? सरकार होती, जो इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं वो होते। और मैंने तो आज, मैं गई हूँ वहाँ पर, आप लोग भी शायद थे वहाँ पर, तो आप लोगों ने मेरे को कवरेज भी कराया, मैंने लोगों को बोला है कि देखिए आने वाले टाइम में जनता को बताइए जो सही आदमी है, जो सही मायने में देश की, समाज की, आप लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार हो और जिसको आप ये सोचो कि ईमानदारी से काम करेगा, आप उसको चुनिए ना। आप ये सब बातें छोड़ दीजिए कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, आप सच्चे और अच्छे इंसान को चुनिए। जो सच्चा और अच्छा इंसान होगा लाल बहादुर शास्त्री की तरह से, इंदिरा गांधी की तरीके से, तो मैं समझती हूँ कि देश का भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा और देश में ज्ञान की गंगा भी बहेगी। मैम जैसे कि हम देखते हैं सिविल लाइन ज़्यादातर क्षेत्रों में हमारी रुड़की में डल चुकी है, जैसे हमने अभी हादसा देखा है कि गणेशपुर में हुआ है, तो मैम ऐसा हादसा तो कहीं और भी हो सकता है, मैम तब क्या होगा? हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको, अमन तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं कब से कह रही हूँ कि जो ये एडीपी के लोग काम कर रहे हैं, ये जो पाइपें डाल रहे हैं भाई, इनकी पूरी निगरानी कराइए, पूरी पड़ताल कराइए, इनकी जांच होनी चाहिए कि ये बंदरबांट कहाँ चल रही है। और जनता का किसी से कोई लेना देना नहीं है, और किस तरीके से जनप्रतिनिधि अंदर गुप्त मीटिंग कर कर के और कैसे बंदरबांट जनता के पैसे को खा रहे हैं, बेसिकली ये जनता का पैसा है जो जनता में लगना चाहिए, और ये जनता में ना लगा के ये अपने घरों को भरने में लग गए हैं, इन्होंने बिजनेस बना लिया बिल्कुल राजनीति को। तो मैं तो कहती हूँ कि रुड़की की जनता को जवाब देना चाहिए। मैम एक मेरा प्रश्न आपसे आखिर ये होगा, मैम जब एडीपी का कार्य चल रहा था काफ़ी दिनों तक सस्ता रोक दिया जाता था, उसमें हम देखते कि रोजगार को काफ़ी इफेक्ट पड़ता था, लोगों को आने जाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, मैम जहाँ लगने चाहिए थे 100 रुपये वहाँ लगे 10 रुपये, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रही हूँ कम्प्लीटली भ्रष्टाचार हुआ है, कम्प्लीटली रुपए की बंदर बांट हुई है, कम्प्लीटली जनता से कोई लेना देना नहीं है कि जनता का रोजगार जा रहा है वो भाड़ में जाए, जनता जाए भाड़ में जाए, इन लोगों के बंदर बांट, पैसे की बंदर बांट, खुला बिल्कुल खुले तौर पे कह रही हूँ कि बीजेपी के लोग जो है बंदर बांट करने में लगे हुए हैं। तो
मैम वहाँ पे मैम ना किसी को बताया गया क्या सामान लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, मैम जनता को कुछ मैम पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? हाँ मेरी बात सुनिए, जनता को तो तब बताएंगे ना जब वो बंदरवाड़ से फुर्सत मिले उन्हें, जब जो बंदरवाड़ कर रहे, मेरी बात सुनिए, जो भी इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सरकार ने जो भी नुमाइंदे जनता चुन के जिनको भेजती है कुर्सियों पर भेजती है वही लोग करते हैं, और कौन करेगा? कोई आम मैं या तुम कोई ना कर लेंगे, वो ही लोग करते हैं जो इम्पोर्टेंट पदों पे बैठे हुए हैं, जिन्हें जनता नमस्कार करती है कि आप इस पोस्ट पर हैं, आप इस पोस्ट पर हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन सब लोग बंदरवाड़ करने में लगे हुए हैं। जैसे कि हमने कल देखा कि कितनी बड़ी लापरवाही एडीपी की दिखी है, और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि अब अग्नेशपुर में ये हादसा हुआ, ये कहीं और भी हो सकता था, तो इतनी बड़ी लापरवाही को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये जनता का मामला है और जनता में ही जाना चाहिए।